दूसरे दिन के बाद 100 से ज्यादा रन की भरत है ऑस्ट्रेलिया के पास। इंग्लैंड की भी बल्लेबाजी पूरी हो गई समाप्त, सरल गई पूरी बल्लेबाजी। अगर आपको बताएं तो हम आपको स्कोर कार्ड 10:40 तक का ही आपको बता पा रहे हैं, उसके लिए खेद है। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 263 रन बनाया, उसके जवाब में इंग्लैंड 237 रन तक पहुंच पाई, जहां पर 80 रन बेन स्टोक्स ने शामिल थे कप्तान के। और जब आई ऑस्ट्रेलिया की दूसरी बल्लेबाजी तो 43 रन ख्वाजा ने बनाकर आउट हुए वो, क्रिस वोक्स से शिकार बने, और 33 रन बनाकर लाबुशिंग शिकार बने मोइन अली के। 2 रन बनाकर स्मिथ भी आउट हुए, और ट्रेवर हेड और मिचेल मार्श बल्लेबाजी कर रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके सामने मोइन अली ने 2 विकेट चटकाया है, 1 विकेट क्रिस वोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड के खाते में भी एक सफलता नजर आई है। अभी था 130 रन का भरत है ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, लेकिन दोनों ही अभी एकदम तराजू पर हैं, क्योंकि आप देखिए दूसरा अंक हुआ है, अभी 3 दिन का खेल बचा है। ऑस्ट्रेलिया जरूर, अगर ऑस्ट्रेलिया को ये रोका गया तो इंग्लैंड के हाथ से मुकाबला चढ़ेगा, लेकिन बनाया जा सकता है, समय ये मुकाबले में बहुत है, लेकिन विकेट कैसा खेलेगी उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अभी तक तो कुछ अच्छा नजर आया नहीं, क्योंकि अभी तक 2 दिन का खेल के अंदर 24 विकेट तक गिर चुके हैं, 20 विकेट से ज़्यादा गिर चुके हैं, तो ये कोई अच्छा साइन तो नज़र नहीं आता है। ये मुकाबले में ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ भी नहीं आ रहा है। आप अभी देख रहे हैं क्रिकेट विद आर्यमन, तो अगर आपको वीडियोस लगाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।